मणिपुर के शिरोई में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर 3.8 रही तीव्रता। मुंबई के टॉप हिल इलाके में घर गिरा, मलबे में दबे कई लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीते 24 घंटे में देश में 10,126 नए कोरोना केस आए सामने, 332 संक्रमितों की हुई मौत। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा दिल्ली के लिए रवाना, 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में AQI 381 पर हवा अब भी बेहद खराब स्थिति में। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां भी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं दौरों का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार यानी आज शाहजहांपुर और बदायूं के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को सरकार के काम के बारे में बताएंगे। वो रेहुल खंड की जमीन से विपक्षी पार्टियों पर सियासी वार भी कर सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर हैं और चुनावी समय है, ऐसे में दौरों का दौर चालू हो चुका है और कई कार्यक्रमों में भाग लेना भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है, उनके भी आज कई कार्यक्रम है और चुनावी तैयारियों में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज शाहजहांपुर और बदायूं का दौरा है और इस दौरान वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे दोनों जिलों में और साथ ही कई योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से आज सीएम योगी 2 जिलों के दौरे पर है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह हो, लगातार दोनों के माध्यम से जनता की संबरा बनाया जा रहा है। लोकार्पण शिलान्यास के साथ साथ जनता को सौगातें दी जा रही है और जनता से एक जनसभा, प्रत्येक जिले में जनसभा आयोजित कर जनता संवाद के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने क्या किया। सर, आज के दौरे की बात करें तो आज केशव प्रसाद मौर्य किराया दौरे पर है, दिनेश शर्मा भी दौरे पर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी दौरे पर है और मुख्यमंत्री जब भी हमेशा से ही दौरे करते लगातार चले आ रहे हैं, शिलान्यास करते चले आ रहे हैं, जनता से जो संवाद है उनका वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आज बदायूं और शाहजहांपुर से दौरे पर रहेंगे। आपको बता दूं मुख्यमंत्री बदायूं पहुंच चुके हैं और बदायूं पर वहां पर वो एक जनसभा को आयोजित भी करेंगे, संबोधित भी करते नजर आएंगे, साथ साथ वहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाहजहांपुर भी जाएंगे और शाहजहांपुर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की 2 जनसभा वहां पर रहेंगी, लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे और 2 जनसभा रहेगी, एक सहजवान में रहेगी, एक सहजवान पाई जी। गौरव, क्या जानकारी आपके पास, कितनी सौगात दे सकते हैं, कितनी लागत की सौगातों की आज जनता को मिलेगी? लगभग 180 करोड़ की सौगात लगभग आपको बदायूं में है और लगभग 209 करोड़ की सौगात शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, आज कई सौगातें दे सकते हैं जनता को, 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार दौरों पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि एक जिले से ज्यादा का दौरा करते हुए रोज नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुक करते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री के सुल्तानपुर में संभावित आगमन को लेकर एयर मार्शल आरके डकवर्थ और एवीएसएम और वीएसएम डॉक्टर कविंद्र प्रताप सिंह के साथ जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस कप्तान ने संभावित कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आगामी 16 नवंबर को प्रधानमंत्री का सुल्तानपुर में आगमन हो सकता है। वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और जनसभा जनपद सुल्तानपुर को बड़ी सौगात दे सकते हैं मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री, और आपको बता दें कि संबोधित भी करेंगे जनता को इस दौरान।
तो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आएंगे। उनके आगमन है, संभावित आगमन बताया जा रहा है, जिसके चलते सभी सुरक्षा के इंतजाम हो चुके हैं और जिसका जायजा भी लिया जा रहा है। रुक करते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख से स्पष्ट है कि वहां हुए नरसंहार में उत्तर प्रदेश की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट के साथ टैग किए गए वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आप किसको बचा रहे हैं। आज उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि लखीमपुर खीरी के नरसिंहार के केस में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? मुख्य अपराधी के पिता आपके साथ मंच पे खड़े रहते हैं, आपके साथ प्रोग्रामों में जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। आप क्या संदेश दे रहे हैं? शाहजहांपुर में मंगलवार को सीएम योगी का दौरा है, वहीं पुलिस से लेकर प्रशासन तक सभी मुस्तैद हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम के दौरे का विरोध की बात भी कही। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने टाउन हॉल स्थित शहीदों की प्रतिमाओं के सामने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार को झूठी सरकार बताया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि योगी सिर्फ चुनाव के मद्देनजर झूठी घोषणा करेंगे, बीजेपी ने किसानों को बर्बाद कर दिया जिससे किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। इसकी फसल बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों में खरीदी जा रही है। वजह सभी के सामने है। आज हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग शहीदों की प्रतिमाओं टाउन हॉल पर यहाँ पर नगर निगम के सामने बैठे हैं। एक तो शाहजहांपुर शहर में डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जिससे काफ जाने जा रही हैं। एक तो मांग ये है कि नगर में कीटनाशक दवाई का छिड़काव, समुचित सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उसके बाद भी ब्लड बैंक में आज हमारे मरीजों को, जिसके पास डोनर नहीं होते, उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है और 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में ब्लड जो है वो के दौरे का विरोध करने की बात भी कही गई है। साथ ही सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि हम सरकार के जो दौरा है उसका विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है, उनकी फसलों को बिचौलियों द्वारा औने पौने दामों पर खरीदा जा रहा है, जो चुनाव है उसके मद्देनजर सरकार झूठे वादे करेगी, तो तमाम तरह के आरोप लगाए, जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बता दें कि चुनावी वक्त है, वहीं पुलिस से लेकर प्रशासन तक सभी मुस्तैद है सीएम योगी के दौरे को लेकर। और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों को लेकर भाजपा कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा के दिग्गजों के द्वारा विधानसभाओं का दौरा किया जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करते हुए वोटरों की नब्ज टटोलने का काम किया जा रहा है, जिससे आगामी 2022 के चुनावों में भाजपा एक बार फिर सत्ता की दहलीज तक पहुंच सके। यही कारण और कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा चुनावों की तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में जिला अलीगढ़ के इगलास विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का आज दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं कार्यक्रम में दिनेश शर्मा के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए 2022 के चुनावों की रणनीति तैयार की जाएगी। उसी के लिए तैयारियां की जा रही हैं, कुछ कार्यक्रम है और यहाँ पर जो आयोजक हैं उनके साथ यहाँ भी विजिट किया गया और देखा जा रहा है गाड़ियों में वाहन पार्किंग व्यवस्था कैसे रहेगी और उसके लिए क्या डाइवर्जन किया जा सकते हैं। कल यहाँ हैवी व्हीकल हम लोग जब मूवमेंट होगा VIP का इस रोड पर कुछ समय के लिए उसे। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा मल जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा इगलास, मैं इगलास से मंडल अध्यक्ष हूँ और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं।
7 9 तारीख को समय 10:30 बजे यहाँ आ जाएंगे। तो उसमें ये हमारी तैयारी चल रही है, तैयारी जोरों पर चल रही है, सब व्यवस्था हो रही है, पार्किंग व्यवस्था देखिए। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री के आने से पहले प्रशासन ने महानगर में विपक्षी पार्टियों के लगे होर्डिंग बैनर उतरवा दिए। बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जताई है। सपा नेता उपेंद्र पाल सिंह यूपी भैया ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जब आचार संहिता नहीं लगी हुई है तो विपक्षी पार्टियों के बैनर होल्डिंग्स क्यों उतारे जा रहे हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी के बैनर होल्डिंग से पूरा शहर पटा हुआ है। सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही बैनर उतारे गए क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर का दौरा कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शाहजहांपुर से अनेंद्र जुड़े हैं। अनेंद्र, जिस तरह से सारे पोस्टर हटाए गए हैं तो क्या वहां पे सीएम योगी के पोस्टर अभी भी दिखाई दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, जैसे कि आज बता दें आपको, आज शाहजहांपुर योगी का दौरा है। लगभग 12 बजे यहाँ योगी जलालाबाद शाहजहांपुर के तहसील काकोरी इंटर कॉलेज में यहाँ आगमन उनका होगा। तो जिस तरीके से बात की जाए, कल से जो है नगर निगम के द्वारा जो बैनर पोस्टर होल्डिंग लगे हैं समाजवादी पार्टी की हटाए जा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भी कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये ना तो बिना आचार संहिता अभी तक कोई ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, बिना आचार संहिता के जिस तरीके से बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। जी अनेंद्र, क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगे हैं या अन्य विपक्षी पार्टियों के पोस्टर भी हटे हैं? अन्य के भी लगे हुए हैं, सभी के हटाए जा रहे हैं। जहाँ तक उनका जो भी काफिला है जहाँ से निकाला जाएगा वो सारा पूरा रूट ही जो विपक्ष पार्टियों के है, सभी के बैनर होल्डिंग लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे योगी के जो बैनर आगमन की बधाई के संदेश के बैनर होल्डिंग लगाए जा रहे हैं। जी, लगभग कितने होल्डिंग लगे होंगे सीएम योगी के आगमन के चलते? ये पूरा लगभग यानी है कि पूरा जो है लगभग कम से कम नहीं तो पूरा रंगीन हो चुका है। जो भी रोड दिखाई दे रहा है हर जगह योगी सरकार योगी का ही बैनर लगाई दे रहा है क्योंकि भगवादारी पूरा रोड है, पूरा भगवादारी नजर आ रहा है, साइड के आ रहे हैं पूरे होल्डिंग बैनर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ शाहजहांपुर से संवाददाता अनेंद्र जुड़े थे जिन्होंने बताया कि हर तरफ सीएम योगी के होल्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं और विपक्षी पार्टियों के होल्डिंग पोस्टर हटा दिए गए हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के द्वारा भगवान राम के जन्म को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर भड़के अयोध्या के संत। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भगवान राम को श्रृंगी ऋषि का पुत्र बताया था। इसी को लेकर अयोध्या के संतों ने संजय निषाद को आड़े हाथों लिया है और कहा दूषित और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं संजय निषाद। संतों ने बीजेपी से अपील की है कि वो तत्काल निषाद पार्टी से सभी संबंधों को खत्म कर ले। आगे संतों ने कहा कि संजय निषाद से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। भगवान राम के समय में निषाद राज जी ने इस भाव से सेवा किया पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का, और भगवान श्री राम भी उनको गले लगाकर अपने बराबर बैठाया। लेकिन आज जो कलयुग में जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भाव देखिए किस प्रकार से उन्होंने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। क्या इनका भाव है, क्या इनकी मानसिकता है, ये क्या बताना चाहते हैं, ये समाज में क्या कहना चाहते हैं बताओ। दुर्भाग्य है, इनकी भाव का पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी देखिए जिस प्रकार की भाषा संजय निषाद बोल रहे हैं और यह इस समय भाजपा के साथ जुड़े हैं, इनकी भाषा निंदनीय है और निंदनीय होने के साथ साथ आपत्तिजनक है। ये भगवान राम का अपमान है और राम भक्तों का अपमान है। और ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार से धर्म के प्रतिकूल भगवान राम के प्रतिकूल बोलता है तो भाजपा को चाहिए कि
सिद्धार्थनगर में 43 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी और वन विभाग की संयुक्त पेट्रोलिंग के जवानों ने वन्य जीव तस्करी को रोका। बता दें कि सीमा बल की सीमा चौकी और वन विभाग की टीम द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी, जिस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति को भारत से नेपाल मोटरसाइकिल से एक मृत सुअर को ले जाते समय रोका गया। रोकने का इशारा करने पर वो व्यक्ति मोटरसाइकिल और उस पर लदे मृत सुअर को छोड़कर नजदीकी नाले में कूद कर नेपाल भाग गया। जब्त वन्य जीव और मोटरसाइकिल को वन कार्यालय ककरवा थाने में ले जाया गया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। संभल में अभिभावक के द्वारा कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी लेखपाल की दबंगई देखने को मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है। साफ साफ लेखपाल के द्वारा शराब की बोतल मांगने और रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जहां कई बार अभिभावक के द्वारा प्रार्थना करने के बावजूद भी आय प्रमाण पत्र पर मोहर नहीं लगाने से बच्चे के भविष्य को लेखपाल ने अंधकारमय कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ऐसे भ्रष्ट रिश्वतखोर लेखपाल के खिलाफ राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। हालांकि बच्चे के अभिभावक ने जिलाधिकारी संभल से अपनी मदद गुहार लगाने की बात कही है। मेरा नाम देवेंद्र, पिता का नाम बनवारी, ग्राम सुल्तानपुर खुर्द। मेरा एक बच्चा लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का नाम है सुनील कुमार। क्या मामला है? मामला ये है तो मेरा बच्चा पढ़ता है, मैंने एडमिशन कराया, वो उसकी परीक्षा कराई थी वहाँ श्यावली पे, उसमें आय प्रमाण पत्र मांग रहे थे वो। मैंने 2 माह पहले नेकपाल मतलब आय वो ऑनलाइन कराया था वो जी। बाकी बात मैंने नेकपाल साथ कॉल करी तो आज कल 2-3 महीना था ऐसे मुझे चक्कर लगाने हो गए। मैंने अब आप आखिरी डेट में मतलब कॉलेज में गया था तो आज बच्चा। हाँ कौन बोल रहे हैं आप? मैं देवेंद्र बात कर रहा हूँ सर। हमारे लड़के का बच्चे का तुमने व्यवस्था खराब कर दिया। क्या हो गया? अरे व्यवस्था खराब तुमने करी। मैंने कहा मोहर लगवा दो, मतलब बाप तुमने बाप आए थे मोहर लगवाई ना तुमने। एजिम साहब के पास आ जाओ तुम कल 11 बजे। हैं एजिम साहब देंगे तुम्हें जवाब। अब हमने तुम्हारा भविष्य बेटा खराब कर दिया। अरे बताओ कल की भविष्य आगे जो परीक्षा है मतलब, और आज उसका एडमिशन कराने का व्यवस्था खराब हो गया उसका। अभी अब लोग नहीं हो पा रहा था कल 11 बजे बोलो। अरे कोई भी सही मतलब हमारे मतलब तुम एक मतलब 2 महीना हो गए। तो साफ तौर पर रिश्वतखोरी का यह मामला सामने आया है, जहां ऑडियो आपने सुनी किस तरह से रिश्वत मांगते हुए लेखपाल सुनाई दे रहा है, और साथ ही आरोप भी लगाया है बच्चे के पिता ने कि किस तरह से रिश्वत मांगी जा रही है और बच्चे का जो जीवन है उसको अंधकारमय करने में भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो संभल से ये खबर सामने आई है, जहां रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आया है, और अब देखना ये होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। कई बार अभिभावक के द्वारा प्रार्थना करने के बावजूद भी आय प्रमाण पत्र पर मोहर नहीं लगाने से बच्चे के भविष्य को लेखपाल ने अंधकारमय कर दिया। अब देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट रिश्वतखोर लेखपाल के खिलाफ राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इस तरह की कई तस्वीरें सामने आती हैं, जहां ऑडियो भी सामने आता है कि किस तरह से रिश्वत मांगी गई है, उसके बाद भी कई बार अपराधी बच जाते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ जिले के थाना क्वार इलाके के स्वर्ण जयंती नगर क्षेत्र में डॉक्टर दंपत्ति के घर से 1 सप्ताह पहले जलती हुई हालत में घर से बाहर निकली महिला की जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान 8 दिन बाद मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना पर पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि उसकी मृतक बेटी और डॉक्टर के बीच 2 वर्षों से अवैध संबंध थे। 1 नवंबर को उसकी बेटी को डॉक्टर और उसकी पत्नी ने फोन करके अपने घर स्वर्ण जयंती नगर बुलाया था। वहीं डॉक्टर और उसकी पत्नी ने घर पहुंचते ही घर का गेट बंद कर दिया, जिसके बाद उसके ऊपर डॉक्टर और उसकी पत्नी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। परिजनों का आरोप है कि 2 नवंबर को डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा परिवार के लोगों पर मौत के बाद उसका बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार करने का पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया। ये
मेरे पास जो हमारे समाज के हैं, मैं कंडेर समाज से हूँ, ये हमारे समाज के विनोद कुमार जी, इनका फोन पहुँचा था, इन्होंने मुझे अवगत कराया कि हमारी बहन जो विमला देवी है एक अस्पताल में कार्यरत थी और वहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर हैं उन्होंने उसको आग लगा करके जला दिया गया है। ये ऐसी उसकी पत्नी ने, ये मुझे ऐसी सूचना मिली है, तो मैं उसी के संदर्भ में यहाँ पर आया हूँ और अधिकारियों से मिलेंगे, उसके संबंध में हम आगे कार्रवाई कराने। एक तारीख की रात को मेरी बहन को घर पर बुलाया डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी ने और गेट बंद करके पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। जिसकी सूचना हमें मिली तो हम लोग हॉस्पिटल आए, उससे पहले पुलिस ला चुकी थी और पुलिस ने एडमिट करा दिया। हमने FIR दर्ज कराई, FIR हो गई, लेकिन मुलजिम अभी तक ऐसे ही आज़ाद घूम रहे हैं, कोई किसी को मुलजिम ने नहीं पकड़ा। और पुलिस हमारे ऊपर अभी भी 8 दिन हो गए, 2 तारीख 11वां महीना को वो हुई है FIR दर्ज 21वें, और आज 8/11/21 है, अभी तक कोई भी कार्रवाई ना हुई। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में पेट्रोल पंप मालिक से बदमाशों ने दिन दहाड़े 19,45,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बदमाश घटना को अंजाम देकर नेक्सा गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालिक 19,45,000 का कैश बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया और नोटों से भरा बैग असलाहों के दम पर लूट लिया गया। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, पुलिस विभाग जांच में जुट गया है। मैं अपनी गाड़ी को पंप से लेके निकल रहा था, बैंक 4 दिन की छुट्टी थी मेरे पास, मेरी गाड़ी में 19,45,940 रुपए थे। मैं अपनी गाड़ी को कैश समेत लेके निकल रहा था, मैं इंडिकेटर आराम से निकल रहा था, पीछे से एक ये जो है दो गाड़ी आई, उन्होंने पीछे से मेरे को एक ने ओवरटेक करके मेरे को गाड़ी में ठोकी, दूसरे में उसमें से पिछली गाड़ी में से निकला एक लड़का, उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली तुरंत मेरे को एक्सीडेंट मारने के बाद और मेरा कैश लेकर निकल गया। हरदोई की सवायजपुर विधानसभा के ग्राम लुधियापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। नरेश अग्रवाल ने कहा कि देश के मुसलमानों ने जिन्ना को नकार दिया, लेकिन अखिलेश के दिल में आज भी जिन्ना बसते हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में एक समुदाय विशेष के अंतिम संस्कार स्थलों का विकास हुआ, जबकि भारत सरकार ने जाति व धर्म से परे होकर सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। संभल में अभिभावक के द्वारा कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी लेखपाल की दबंगई देखने को मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ लेखपाल के द्वारा शराब की बोतल मांगने और रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। आप भी सुनिए क्या कहा। कौन बोल रहे हैं आप? मैं देवेंद्र बात कर रहा हूँ सर। हमारे लड़के का बच्चे का तुमने व्यवस्था खराब कर दिया। क्या हो गया? अरे व्यवस्था खराब तुमने कर, मैंने कहा मॉल लगवा दो, मतलब बाप तुमने बाप आए थे मॉल लगवाई ना तुमने। तहसीम साहब के पास आ जाओ तुम कल 11 बजे। हैं तहसीम साहब देंगे तुम्हें जवाब। आप हमने तुम्हारा भविष्य बेटा खराब कर दिया। अरे बताओ, मैं कल की भविष्य आगे जो परीक्षा है मतलब, और आज उसका एडमिशन कराने का व्यवस्था खराब हो गया उसका। अभी अपलोड नहीं हो पा रहा था, कल 11 बजे बोलो। साहब बुला रहे हैं? नहीं एजेंट साहब आए आपको? अरे कोई भी सही, मतलब हमारे मतलब तुम मतलब 2 महीना हो गए तो रोज फोन लगा, रोज फोन। इस खबर पे हमारे साथ संभल से सर, जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, साफ तौर पे सुनाई दे रहा है कि रिश्वत मांगी जा रही है। कई बार अभिभावक द्वारा प्रार्थना भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई डर नहीं दिखाया इसके अंदर कानून का, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये खबर सामने आई है संभल से, जहां पे
रिश्वत खोरी का मामला सामने आया है। साफ तौर पर ये ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें शराब की बोतल और रिश्वत खोरी की बात सामने आ रही है। साफ तौर से बार बार अभिभावक प्रार्थना करता नजर आ रहा है कि उसके बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, उसको आवश्यकता है हस्ताक्षर की। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब ये देखना है कि इसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि एक बच्चे के जीवन से जुड़ा ये मामला है, रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है और लगातार सरकार ये दावा करती है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे अधिकारियों के ऊपर कानून का कोई भय नजर नहीं आता है। लेखपाल की दबंगई देखने को मिल रही है। संभल से ये खबर सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर। सोशल मीडिया पर अभी ये ऑडियो भी वायरल हो रही है। साफ साफ लेखपाल के द्वारा शराब की बोतल मांगने और रिश्वतखोरी का जो ये मामला सामने आया है, इससे अब काफी लोग नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे के जीवन से जुड़ा ये मामला है जहां कई बार अभिभावक के द्वारा प्रार्थना करने के बावजूद भी आय प्रमाण पत्र पर मोहर नहीं लगाई गई, जिससे बच्चे के भविष्य को लेखपाल ने अंधकारमय कर दिया। तो बार बार अभिभावक प्रार्थना कर रहे थे लेखपाल से कि आय प्रमाण पत्र पर मोहर लगाने के लिए, लेकिन ऑडियो भी सामने आई है जिसमें रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहा है लेखपाल। और इस खबर पर हमारे साथ अब संवाददाता संभल से मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, साफ तौर पर रिश्वत मांगते हुए लेखपाल नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? आपको बता दूं, जनपद संभल के चंदोसी तहसील का मामला है और इस गांव पड़ता है सुल्तानपुर खुज, और इसमें एक व्यक्ति से रिश्वत मांग रहे थे आय प्रमाण पत्र पर मोहर लगाने के लिए, और आरएसएस की एक बोतल मांग रहे थे, उसने बोतल देने के लिए इनकार कर दिया और उसे डरा धमकाने लगे और जेल भेजने की धमकी दी। जी मुबारक, कितनी राशि मांगी जा रही थी रिश्वत के तौर पे? राशि मांगी जा रही थी 700 रुपए की आरएसएस की बोतल आती है, और रात ऑडियो वायरल हुआ है, और दूसरी तरफ अधिकारियों की मिली भगत से ये सब काम चलता है, और इनके खिलाफ कोई लेखपाल से कोई कार्रवाई नहीं होती है, और फिर दूसरी तरफ बच्चे का भगत से खराब हो रहा है, उसका एडमिशन नहीं हुआ आय प्रमाण पत्र की वजह से। जी मुबारक, प्राइम टीवी की टीम ने एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है, तो किस तरह से अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? ये आपको बता दूं, ये योगी सरकार लाख दावे करती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, दूसरा अधिकारी इसमें सुसज्ज होते हैं और कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जी ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि एसडीएम ने तहसीलदार से कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन कब तक इस पे कार्रवाई हो सकती है? ऐसा माना जा रहा है ये तो कागजों में कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी लेखपाल के खिलाफ। जी मुबारक, क्या ऐसे मामलों में कार्रवाई होती भी है? अगर होती है तो लेखपाल में डर क्यों नहीं है? सरेआम वो घूस मांगता हुआ क्यों नजर आ रहा है? आप साफ तौर से कुछ संतुष्टि है, और इसमें कई बार ऐसा मांगी मैंने 2 महीने से भाग रहा है पीड़ित परिवार, और तो अभी उसके खिलाफ कोई अभी तक उन्हें चालू कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ मुबारक अली जुड़े थे संभल से, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी है, और ये बात भी सामने आ रही है कि लेखपाल ने घूस मांगी और एसडीएम को जब जोड़ने की कोशिश की गई प्राइम टीवी द्वारा, जब उनसे सवाल करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने तहसीलदार से बात कह दी है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सवालों से बचते हुए एसडीएम नजर आए। चंदौली जिले के सदर कोतवाली के सिरसी गांव में एक गरीब परिवार के ऊपर दबंग का कहर बरपा है। घर में घुसे लोगों ने जमकर तोड़फोड़ करने के बाद लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए गए। बता दें कि पीड़ित परिवार ने 2 दिन बाद भी थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की बात तो दूर, मुकदमा भी नहीं लिखा जा सका है। मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दबंगों के कहर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हम लोग थाने गए थे तो क्या हुआ था, प्रधान जी से बात हुई थी, ये बोले थे कि हम गिट्टी हटा देंगे, हटा लीजिए, हम गिट भी हटा लेंगे। ये हम लोग गिट्टी हटा दिए, ये लोग गेट नहीं हटाए, तो उसके बाद गेट नहीं हटाया तो फिर मामले पे लड़ाई हुई, गेट के मामले पे लड़ाई हुई थी। ये बोले थे कि हम गिट्टी हटा लेंगे, फिर हम गेट भी तोड़वा देंगे। कोई लोग कमला मंगला केशव गुलाब दीपक लालू मृत्युंजय प्रदुमन प्रदीप
और उनके साथ सुकंतला सब औरत क्या क्या गया है इसमें इसमें जो जो सामान है सब थोड़ा फोड़ा गया है मतलब दिन में ही दोपहर के 2 बजे के लगभग मान के चलिए कि 3-3 साल। संभल में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र के चकरपुर मेमोरी की घटना बताई जा रही है। बता दें कि मारपीट का वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। वहीं मारपीट के बाद पीड़ितों को बहजोई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमीरपुर के बिमवार थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया। युवक ने किशोरी का अश्लील वीडियो भी बनाया। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक ने कई महीनों तक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग किशोरी परिवार के साथ ईंट भट्टे में मजदूरी करती थी। पीड़िता की शिकायत मिलने पर बिमवार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो हमीरपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई गई और वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार अश्लीलता को अंजाम दिया गया, जिसके बाद उसने अब जब किशोरी ने इस बात की शिकायत की है तो पुलिस जांच में जुटी है। अलीपुर के धनीपुर मंडी के पास जेब कतरों का मामला सामने आया है, जहां एक किसान द्वारा व्यापारी से पैसा लेकर घर वापस ऑटो में बैठकर लौट रहा व्यक्ति उसे तभी बोनरे चौराहे पर पहुंचकर बराबर में बैठे लड़के ने टेम्पो को बोनेर चौराहे पर रुकवाकर और वहां से लूट करके भाग गया। उसे उतरते ही किसान ने अपनी जेब पर हाथ रखा तो जेब में रखे पैसे गायब थे और जेब कटी हुई दिखी। वहीं घटना के बाद किसान ने वहां शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।